परमेश्वर के धन्य नाम को आज सुबह महिमा होने पाए। आज की सुबह मेरे सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन मैं बांटती हूँ। आज की सुबह मनन करने के लिए परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया भाग है, दूसरा कुरिन्थियों पहले अध्याय का 9वां वाक्य। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं से जिलाता है। इस अनुग्रहित वचन में से जिन्हें मौत का जवाब मिल गया, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। प्रेरित पौलुस और तिमोथियुस के जीवनों के प्रत्येक अनुभवों को वो कुरिन्थियों सभा के साथ लेखा बांटते हैं। अगर हम इस वचन के 8वें भाग को पढ़े तो हम देखते हैं कि वह जीवित भी रहेंगे या नहीं, ऐसी निराशा के साथ शक्ति प्राप्त करने के स्थान पर अत्यंत भयभीत होकर वह रहे। मेरे प्रियजनों, मृत्यु एक हकीकत है। एक समय ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि हमारा मृत्यु निश्चित है। उस समय जब हमें इसका पता चलेगा, तब हमें बहुत निराशा होगी। बल प्राप्त करने के स्थान पर हम भय से भर जाएंगे। आज इस महामारी के समय में हमारे आसपास हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। क्या इस वजह से हमें डर लगा नहीं रहता? जब हम भी इस रोग में जकड़ जाएंगे तो क्या हम भी निराश नहीं होंगे? मृत्यु के बारे में अगर सुने या अगर मृत्यु को सामने पाए तो एक बार हर कोई डर जाएगा। इसीलिए प्रेरितों ने निराशा के साथ मृत्यु के सामने अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि वचन में लिखे गए 9वें वाक्य के अनुसार मृत्यु की आज्ञा उन पर होने के बावजूद उनका भरोसा परमेश्वर पर था जो मरे हुओं को जिलाता है। यहाँ पर हम एक बात पर ध्यान दें। 8वें और 9वें वाक्य को यूं ही पढ़कर निकलने के बजाय 8वें वाक्य में उनकी अवस्था के अनुसार प्रेरित जब 9वें वाक्य को भी वहाँ जोड़ते हैं तो उससे पता चलता है कि किस तरह वह निराशा के ऊपर विजय पाते हैं और परमेश्वर में बल प्राप्त करते हैं। 9वां वाक्य अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, बट वी हैड द आंसर ऑफ डेथ इन आर सेल्फ। अर्थात मृत्यु को सामने देखकर वे निराश क्यों ना हो गए हो, लेकिन उनको मृत्यु का जवाब मिल गया था। क्या है वह उत्तर? केवल उनमें ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है उस पर आशा रखकर हम मरेंगे, ऐसा निश्चय करते हैं। इसलिए मृत्यु का जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह में ही मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जो फिर से जी उठा, जो खुद जीवन है, उस पर आश्रय करने वाले व्यक्ति ऐसे बोल नहीं पाए कि मृत्यु का मेरे पास जवाब है, मैं मर भी गया तो भी फिर से जी उठूंगा। प्रियजनों, जन्म के बाद मृत्यु है, इसलिए जन्म के बाद मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसा कहते हुए अपने आप को विश्वास दिलाते रहें। तो भी हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों में हम डगमगा जाएंगे और हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु का जवाब पाने वाले एक मसीही व्यक्ति को भरोसा होगा कि अपने जीवन काल में कितनी भी बड़ी मृत्यु क्यों ना हो जाए, वह मृत्यु मुझे मार नहीं पाएगी। और यही नहीं, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के बाद मैं कभी भी मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मृत्यु ही अंत नहीं है। मृत्यु के बाद भी मुझे फिर से जी उठाने वाला, मुझे अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर वहाँ है, ऐसा भरोसा करने वाले हम बने। इसलिए एक भक्त वचनों के आधार पर अपने लिखे गए गीत में इस प्रकार से कहता है, मृत्यु फैलाने वाले मृत्यु के अधिकारी उस शैतान पर यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से उसको मिटा दिया। जीवन भर जो हम लोग मृत्यु के अधीन थे, उनको यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। स्तुति कर हे मन निरंतर जीवन देने वाले यीशु की, ऐसा एक भक्त गाता है। पड़े हुए भाग में प्रेरित इस तरह कहता है, वरन आज की सुबह हम भी बोलने पाए वरन।
किस लिए वरन को हम हाँ बोले। मृत्यु से जिलाने वाले, मृत्यु को उत्तर देने वाले उस परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, उस पर मैं अपना आश्रय रखती हूँ। वरन मृत्यु का उत्तर देने वाले मसीह में मैं विश्वास करती हूँ। इसलिए मृत्यु में मेरा अधिकार भी है और हक भी है, नित्य जीवन का लक्ष्य भी है। मृत्यु के सामने निराश होकर मैं क्यों जी रहा हूँ ऐसा सोचकर अपने जीवन का अंत करने वालों के बीच में मृत्यु को जवाब देने वाला प्रभु यीशु जीवित है बोलकर हम दूसरे निराश लोगों में जीवन की आशा प्रदान करने वाले बने। उसके लिए प्रभु आज सुबह हम में से हर एक को सहायता करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।